जापान जाओ, इस फोन सैनिटाइजर सिस्टम को जरूर ट्राई करना, बिकॉज जापान के पब्लिक वॉश बेसिन में फोन सैनिटाइजर भी लगा होता है, जिसमें बस आप अपने फोन को डाल दो और वो सैनिटाइज करके निकाल देगा। इतने नहीं, जापान के जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनके जैकेट में फैन लगा होता है ताकि उनको धूप में गर्मी ना हो। वैसे जापान में जब भी कोई व्हील चेयर वाला बंदा मेट्रो में जाता है तब उसके लिए एक खास बंदा होता है जो उसे मैट बिछा कर उसको चढ़ाता और उतारता है। जापान में आपको ऐसे फ्रेश जूस ब्लेंडर बॉटल भी मिल जाएगा जो कहीं भी जूस निकाल सकता है, जिसे आप जब भी चाहो बिल्कुल फ्रेश जूस पी सकते हो। एक बंदे ने करीब 9 करोड़ रुपए आकाश से गिरा दिया, बट क्यों ये जानकर आपका दिमाग ही जाएगा। एक्चुअली जिस बंदे ने ये काम किया उसका नाम है कादमा, जो कि एक टीवी एक्टर है। उसने ये पैसे गिराने से पहले एक प्लान बनाया, उसने अपने मूवी से एक कोड दिया और कहा कि जो लोग भी इसे सॉल्व कर पाएंगे उनको लोकेशन का पता चल जाएगा कि मैं पैसे कहां गिराने वाला हूं। उसके बाद क्या, बहुत सारे लोगों ने उस कोड को सॉल्व कर लिया, उसके सीक्रेट लोकेशन पे पहुंच गए। एंड फिर ये बंदा अपने एग्जैक्ट टाइम पे हेलीकॉप्टर से आता है और करीब 9 करोड़ रुपए कैश में गिराने लगता है। उसके बाद लोग पागलों की तरह लूटना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑक्टोपस 4 सालों से एक ही जगह पे बैठा रहा, एंड क्यों, इसका जवाब काफी इमोशनल है। एक्चुअली कुछ साल पहले रिसर्चर्स डीप ओशन में गए थे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ऑक्टोपस एक रोक पे बैठा है। एक मंथ बाद फिर गए, वो ऑक्टोपस वहीं पे बैठा था और ऐसे ही हर महीने रिसर्चर्स उसे देखने के लिए जाने लगे। और करीब 1 साल बाद उन्हें समझ आया कि असल में वो ऑक्टोपस अपने अंडे से रहा है और सिलसिला अभी भी नहीं रुका। रिसर्चर्स फ्रीक्वेंटली उसके पास विजिट करते रहे और करीब 4.5 साल विजिट करने के बाद एक दिन जब वो विजिट किए तब वहाँ वो ऑक्टोपस नहीं था और बच्चे भी निकल चुके थे। इसे साइंटिस्ट को ये पता चला कि डीप ओशन का ऑक्टोपस 4 से 5 साल तक हैचिंग करता है, जबकि शैलो वाटर वाले 3 से 4 महीने तक ही। अगर किसी ट्रेन के ट्रैक से ऐसे आग निकलते देखो तो डरकर भागने मत लगो। एक्चुअली रेलवे ये जानबूझकर करती है और इन्हें ग्राइंडिंग ट्रेन कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि समय के साथ रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन के एक्सट्रीम वेट और स्पीड के चलते ट्रैक्स पे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं बट फिर भी काफी डेंजरस होते हैं, और इसलिए उन ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए ऐसे ग्राइंडिंग ट्रेन का यूज किया जाता है, जो पहले तो एटलीस्ट 2 mm तक ऐसे रेलवे सर्फेस को काट कर हटा देते थे, बट इसमें बहुत टाइम लगता था। इसलिए अब कुछ ऐसा ग्राइंडर यूज होता है जो रेलवे ट्रैक के सर्फेस के क्रैक्स को ग्राइंड करके क्लीन कर देता है, जिससे उस ट्रैक की लाइफ बढ़ जाती है। ये वीडियो अमेरिका के एक बंदे के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया, जिसमें एलियन जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर ऐसे मस्त चिकन डांस करते हुए जा रहा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सभी लोग शॉक्ड हो गए, बिकॉज ये क्रिएचर किसी इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि ये हैरी पॉटर के डॉबी जैसा लग रहा है। वेल एग्जैक्टली ये था क्या, ये पता लगाने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स उनके घर गए, जहाँ पे उनका एक लड़का था जो उस क्रिएचर के हाइट का था। बट उस लड़के ने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ। बट फिर भी उस लड़के के सिर पे एक पैंट डालकर वैसे ही चलने के लिए कहा गया। एंड आप देख सकते हो अभी भी इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आखिर ये था क्या? ये घड़ी लंदन में है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक एक्चुअल इंसानी जैसा ड्रॉ करके टाइम बता रहा है, और आप बिलीव नहीं करोगे बट इसके अंदर का ये इंसान असली है। बट जब ये फेक नहीं है तो इसके अंदर कोई इंसान कैसे रह सकता है? तो एक्चुअली बात ये है कि मार्टिन बास नाम का एक आर्टिस्ट है और वो चाहते थे कुछ ऐसा ही घड़ी बनाने के लिए जिसमें एक इंसान ऐसे टाइम को इरेज़ ड्रॉ करके बताए, और वो एकदम ऐसे रियल वाला फील देना चाहते थे। इसलिए एक एक्चुअल बंदे के साथ लगातार 12 घंटे तक ऐसे टाइम को इरेज़ ड्रॉ करते हुए वीडियो शूट किए और उसी वीडियो को घड़ी में लगा दिए, और इस आर्टिस्ट ने और भी अलग अलग घड़ी बनाए जैसे इस वीडियो में देख रहे होंगे। अगर आप किसी टर्टल के पास बहुत सारे काले और सफेद जूते रख दोगे तो टर्टल व्हाइट शूज को छोड़कर ब्लैक शूज को माने लगेगी, और दुनिया की कोई भी टर्टल हो वो यही करेगी। बट एग्जैक्टली आखिर ऐसा क्यों, इनको ब्लैक कलर पसंद क्यों नहीं आता? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टर्टल से रेसिस्ट होते हैं, उनको ब्लैक कलर से नफरत होता है, बट ऐसा नहीं है। इसका एक्चुअल रीजन काफी इमोशनल है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये टर्टल छोटी छोटी होती है तब इनके ये प्रोटेक्टिव शेल उतना हार्ड नहीं होता, इसलिए रबर नाम की चिड़िया इन पे अटैक करती रहती है और इनको खाने की कोशिश करती है। और चूंकि ये बर्ड भी ब्लैक ही होती है इसलिए इन टर्टल्स को ब्लैक कलर से नफरत हो जाता है, इसलिए टर्टल जब भी ब्लैक कलर देखती है अटैक करने लगती है।